नमस्कार साथियों, आज राय के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। राय, जिसे कि राजिका या मस्टर्ड भी कहा जाता है, यह पुसीफेरी फैमिली को बिलोंग करता है। पूरे भारतवर्ष में पाई जाती है। इसके गुण देखें तो यह कटु, उष्ण, पित्तकारक और यह पाचन शक्ति को बढ़ाती है। जिनको अपचन या पेट दर्द की समस्या रहती है, उनके लिए राई का चूर्ण 1 ग्राम और उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाकर ऊपर से करीब 100 ml पानी पी लेते हैं तो आराम मिलता है। यदि अफरा चढ़ गया है और उसे दूर करना चाह रहे हैं, तब 2 ग्राम राई का चूर्ण शक्कर मिलाकर फांक ले और फिर ऊपर से 1/2 ग्राम चूना और 50 ml पानी पिला दे। यदि किसी कारणवश शरीर में विष प्रवेश कर गया है और उसका असर दूर करना है, तब राई का चूर्ण 10 ग्राम इसको ठंडे पानी में पीस ले, फिर करीब 500 ml जल में घोलकर मरीज को पिला दे, तो शीघ्र ही वोमिटिंग होगी, जिसके कारण शरीर से विष बाहर निकल जाएगा। पेट में कीड़े हो गए हों, वर्म्स, तो उन्हें निकालने के लिए राई का चूर्ण 1 ग्राम और गौमूत्र 50 ml प्रातः काल सुबह सुबह कुछ दिन तक दें, तो जो वर्म्स रहते हैं वो अपने आप निकल जाएंगे। संधिशूल या वात की समस्या है, आपके शरीर में सूजन है, दर्द है, तब राई के तेल में कपूर मिलाकर मालिश करें। एक चीज का विशेष ध्यान रखें कि यदि त्वचा के नीचे पानी जमा है, तब ऐसी स्थिति में यह प्रक्रिया ना करें। जो सावधानियां बताई जाती हैं, उनका भी उतना ही विशेष रूप से ध्यान रखें। तो जो जानकारियां दी जा रही हैं, उनका सही तरीके से उपयोग कर भरपूर फायदा उठाएं। राय से संबंधित और भी जानकारियां हासिल करना है तो इस वीडियो पर बने रहिए। हम इसके सेकेंड पार्ट में और भी जानकारियां लेके आ रहे हैं। तब तक के लिए आगे चाहेंगे। नमस्कार।